बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के पास आज काम है, नाम है, खुद की बनाई हुई पहचान है। एक्ट्रेस ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल बिहेव बल्कि अपने हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी के लिए भी जानी जाती हैं। अब ये तो सबको पता है कि बॉलीवुड में सबसे पहले कैटरीना को सलमान खान ने लॉन्च किया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अपनी पहली फिल्म हिट होने के बाद कैटरीना ने सलमान को लेकर क्या बोला था। कैटरीना आज अपना 41st बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। लगभग 22 साल पहले कैट बॉलीवुड में आई थी, लेकिन पहली फिल्म ने उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग दे दिया। वो फिल्म थी बूम, जिसमें विदेश से आई एक्ट्रेस ने डेब्यू तो किया लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, कैटरीना लंदन वापस चली गई। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद एक और फिल्म मैंने प्यार क्यों किया मैं अचानक यही एक्ट्रेस फिर से नजर आई। इस बार कैटरीना को कोई नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इस बार कैटरीना हीरोइन बनी थी बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से शुरू हुआ हिंदी फिल्म सिनेमा में कैटरीना का सफर। कैटरीना ने एक इंटरव्यू में सलमान खान को लेकर एक बात कही थी, इस फिल्म की कितनी अहमियत थी इसे लेकर कैटरीना ने बयान दिया था। कैट ने कहा था कि मैंने प्यार क्यों किया मेरे करियर की सबसे स्पेशल फिल्म है, क्योंकि इसने मुझे आज पहुंचाया है जिस मुकाम पर मैं हूँ। उन्होंने कहा, किसी भी नए एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता था कि उसे एक फिल्म बहुत अच्छा फील कराए, और सलमान खान के साथ उस फिल्म ने मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस कराया। कैटरीना ने आगे इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि किसी ने मुझे कहा था कि पहली फिल्म सक्सेस बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसा कि पहला प्यार, आप उसे भुला नहीं सकते। मुझे बस इतना याद है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत मजा आया। फिल्म के सीन करते हुए हमें बहुत हंसी आती थी क्योंकि फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी थी। इस फिल्म को ऑडियंस ने काफी फनी वे में लिया, काफी लोग एंटरटेन हुए, इसलिए हम बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए फिल्म में करना और आगे बढ़ना ज्यादा अहम होता है। मैं फिल्म की हिट या फ्लॉप होने पर ज्यादा सोचती नहीं हूँ, लेकिन सलमान और सोहेल खान के साथ ये फिल्म बहुत ही खास थी। डेविड धवन जो कॉमेडी के किंग माने जाते हैं, उनके डायरेक्शन में एक एक सीन करना बहुत मजेदार था। सोहेल और सलमान ने मुझे कभी न्यू कमर महसूस ही नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे फिल्म के सेट पर काफी कंफर्टेबल फील कराया। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और मैंने इंडस्ट्री में शानदार वापसी की। उसके अलावा इसी इंटरव्यू में कैटरीना ने उनकी और फराह खान की दोस्ती को लेकर भी बातें की। उन्होंने बताया कि फिल्म के गाने जस्ट चिल की शूटिंग के दौरान वो फराह खान की काफी अच्छी दोस्त बन गई। साथ ही उन्होंने फिल्म के सभी कलाकारों की जमकर तारीफ की। सुष्मिता सेन को लेकर कैटरीना ने कहा कि उनके और सुष्मिता के ज्यादा सीन साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। उन्होंने कहा कि सलमान और उन्होंने कई और फिल्मों में भी साथ में काम किया, लेकिन मैंने प्यार क्यों किया हमेशा उनके दिल के बहुत करीब रहेगी। तो ये थी वो फिल्म जिसने कैटरीना कैफ की पूरी लाइफ बदल दी और जिसके लिए कैटरीना आज भी थैंकफुल महसूस करती हैं। कैटरीना कैफ के फिल्मी करियर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सिनेमा वर्ल्ड की हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।